जब मैंने 12th कंप्लीट किया तब मैंने सोचा था मैं अब्रॉड जाऊंगा पढ़ने के लिए, तो मैंने एक एजेंट फाइंड किया जब मैंने बैंड गेट किया तब। फिर उन्होंने सारी प्रोसेस की, अंत में ऐसा हुआ कि मेरा रिफ्यूजल आया फीस भी सब भरने के बाद। हाँ, और उसमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, उसकी वजह से मैं डिसअपॉइंट हो गया था कि अब क्या करूँ मैं। और मुझे उस वक्त कुछ आइडिया नहीं था कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास कैसे कैसे ऑप्शन है, बिकॉज मेरा 12th कंप्लीट हो चुका था और मेरी गैप बढ़ चुकी थी। अच्छा, कितनी गैप थी? 1.5 साल से ज्यादा थी। तो मेरी बहन के जो ससुरा थे उन्होंने कॉन्टेक्ट करवाया आपका कि हम निशित सर को मिलने जाते हैं। आप आए थे महसाना में, मेरे को याद है। आप मुझे जब मिले तब आप मुझे पूरे पूरे जेन्युइन लगता आपका ये सितंबर इंटेक का वीजा लगा। ओनली 15 डेज। हेलो दोस्तों, मैं निशित कुमार पटेल, एडवाइजर ऑफ केयर इमिग्रेशन एंड वीजा सर्विसेज। एक दफा फिर हम आपके साथ जुड़े एक और हमारे स्टूडेंट को लेके जो सितंबर 24 इंटेक में कनाडा जाने वाला है। ये स्टूडेंट यहाँ से बिलोंग नहीं करता, यहाँ मतलब अहमदाबाद से। ये स्टूडेंट बिलोंग करता है मेहसाणा, हमारी ब्रांच से, केयर इमिग्रेशन की ब्रांच मेहसाणा, नॉर्थ गुजरात में भी है, तो वहां से ये स्टूडेंट बिलोंग करता है। जब हमारे पास आया था, यानी मेरे को मिला था जब ये मेहसाणा में, तो एकदम डिसअपॉइंट था। एकदम बिखरा हुआ था और कैसा कैसा एक्सपीरियंस उसके साथ पास्ट में हो चुके थे अब्रॉड, सब अच्छा था उसका। आपने आईएलटीएस पीटी दिया था? मैंने आईएलटीएस दिया था। आईएलटीएस दिया था, आईएलटीएस में बढ़िया बैंड होने के बावजूद, एजुकेशन अच्छा होने के बावजूद वो प्रीटी कंफ्यूज था और अब्रॉड नहीं जाना है ऐसा मन बना के बैठा था। लेकिन केयर इमिग्रेशन तक कोई रेफरेंस से पहुंचा, फिर क्या हुआ कि जो बिखर गया था उसको केयर इमिग्रेशन ने संभाला, उसको अच्छी तरह गाइड किया और उसकी अब्रॉड स्टडी का वीजा भी केयर इमिग्रेशन ने लगवा के दिया। ये सारी जर्नी हम आज आपके सामने लाने वाले हैं, तो चलो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपको पूरी स्टोरी क्या है। मेरे साथ है यश कनुभाई प्रजापति, पूरी स्टोरी सुनवाते हैं। यश, कैसे हो? बहुत बढ़िया। मैंने जो बताया कि बिखरा हुआ थे आप और आपको समेट के हमने इकट्ठा किया, ये सही है? हाँ सही है। कैसे? जब मैंने 12th कंप्लीट किया तब मैंने सोचा था मैं अब्रॉड जाऊंगा पढ़ने के लिए, तो मैंने एक एजेंट फाइंड किया जब मैंने बैंड गेट किया तब। कितने बैंड थे आपके? मेरे ओवरऑल 6 थे, ईच 6। ओवरऑल 6, ईच 6 बैंड थे। और आपने अप्रोच किया था ऑस्ट्रेलिया के लिए? ऑस्ट्रेलिया के लिए। फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने सारी प्रोसेस की, अंत में ऐसा हुआ कि मेरा रिफ्यूजल आया फीस भी सब भरने के बावजूद। हाँ, और उसमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, उसकी वजह से मैं डिसअपॉइंट हो गया था कि अब क्या करूं मैं। और मुझे उस वक्त कुछ आइडिया नहीं था कि मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास कैसे कैसे ऑप्शन है, बिकॉज मेरा 12th कंप्लीट हो चुका था और मेरी गैप हो चुकी थी, गैप बढ़ चुकी थी। अच्छा, कितनी गैप थी? 1.5 साल से ज्यादा थी। मैंने बैचलर्स साइड में चालू ही रखा था, उसकी वजह बैकअप ऐसा बहुत ही अच्छा उसने किया था। आपको भी मैं सलाह देना चाहता हूँ, अगर आप 12th के बाद कहीं अब्रॉड के लिए ट्राई कर रहे हो तो मेरी एडवाइस रहेगी, अगर आप वीडियो देख रहे हो या आपका फैमिली में से अगर कोई 12th के बाद अब्रॉड के लिए ट्राई कर रहा है, चाहे केयर इमिग्रेशन से कहीं और कंसल्टेंट से, तो प्लीज आप अपनी इंडिया में पढ़ाई को मत छोड़िए, क्योंकि ये वीजा या एडमिशन होता है ना, अभी वो कोटा बेस पर, मतलब हो सकता है उसमें ज्यादा देरी हो, तो देरी होगी ना तो उसके लिए आप पढ़ाई यहाँ पर स्टार्ट नहीं करेंगे तो आपका यहाँ का भी बिगड़ेगा और वहां का भी, अगर लेट हो गया तो वो आपको दिक्कत होगी। तो मेरी सारे बच्चों से ये एडवाइस है कि 12th के बाद अगर आप ट्राई कर रहे हो फॉरेन जाने के लिए, जरूर कीजिए, अच्छा है आपके चॉइस से, आपके हिसाब से, लेकिन साथ में इंडिया में भी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। यस, हाँ प्लीज। फिर आपने? फिर मैंने ये सोचा कि मैं बैचलर्स कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद सोचता हूँ कि क्या कर सकते हैं हम। उसके बाद मेरी बहन के जो ससुरा थे उन्होंने कॉन्टेक्ट करवाया आपका कि हम निशित सर को मिलने जाते हैं। हाँ, आप आए थे महसाणा में, मेरे को याद है। आप मुझे जब मिले तब आप मुझे पूरे पूरे जेन्युइन लगे कि आप कुछ गलत नहीं करते। अच्छा, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपका रहना कहाँ है, पूरा आपका मतलब फैमिली बैकग्राउंड वगैरह क्या है, ये बताइए थोड़ा। मैं रहने में एक स्मॉल विलेज है, वेड़ा रहता हूँ। अच्छा, वेड़ा। हाँ, और मेरे फादर है, मदर है, मेरी सिस्टर कनाडा में है। ओके। और मेरा ब्रदर वो प्राइवेट जॉब करता है। अच्छा, और आपके फादर मदर क्या करते हैं यहाँ पर? वो फार्मर है? हाँ, फार्मर है। ओके। और एनिमल हस्बेंडरी। ओके, एनिमल हस्बेंडरी, फार्मरिंग का काम करते हैं। कुछ इतना
बिजनेस या जिसको कह जाते हैं बहुत सारे पैसे, ऐसी बात नहीं है। आपकी और हमारी तरह एक मिडिल क्लास फैमिली में से बिलोंग करते हैं। फिर आप, मेरे को याद है जब आए तब आपके फादर उस टाइम पर साथ में आए थे, वो आपको मोटिवेट कर रहे थे, नहीं बेटा एक दफा रिजेक्शन हो गया तो क्या, दूसरा प्रयत्न करना चाहिए, कैनेडा अच्छी कंट्री है, कैनेडा जाना चाहिए। उनकी सिस्टर भी ऑलरेडी कैनेडा में है, तो ये सब बोला, लेकिन ये तो पूरे नेगेटिव थे यश, क्योंकि उनको एक दफा ऑस्ट्रेलिया का रिजेक्शन आ चुका था, है ना, फीस हाँ। सब कुछ भरने के बावजूद बोलते नहीं अभी अब्रोड जाना है, क्या नहीं अभी यहाँ पर पढ़ाई करना है। फादर ने किया अपनी टेंशन मत ले और हो जाएगा, है ना। फिर आपने प्रयत्न किया इमिग्रेशन के साथ, हाँ। वो प्रयत्न किया तब से लेके अभी तक, है ना। तो बीच में जब हम वीजा की फाइल रखते हैं, हाँ। तो आपको फॉर्म्स दिखाना होता है, हाँ। फिर आपका फीस पेमेंट होता है, हाँ। कॉलेज का ऑफर लेटर होता है, ये सारी चीज में मेडिकल करवाना प्रोसेस, जीआईसी पेड करना, ये सारी चीज में केयर इमिग्रेशन ने आपको कैसे कैसे एडवांस पे सहायता की। उसमें जब मैंने एडमिशन के लिए जो प्रोसेस करनी थी, उसमें मेरे साथ जो कोऑर्डिनेट किया था वो सनी सर ने किया था। बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने मुझे ऑप्शंस दिए जो आपके द्वारा रिकमेंडेड थे। यस यस। तो उनमें से मैंने दो चूज किए। उन्होंने उसका ऑफर लेटर मंगवाया। फिर जब मेरी एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो गई, उसके बाद मैंने जीडू में एडमिशन, हमारे यहाँ क्या होता है कि हर एक डिपार्टमेंट एक एक्सपर्ट है, जैसे एडमिशन का काम जो कोई करेगा वो उसका एक्सपर्ट होगा, फिर आती है फाइल वीजा डिपार्टमेंट में। हमारे यहाँ क्या इमिग्रेशन में, तो वीजा के डिपार्टमेंट के भी जो हमारे यहाँ स्टाफ है बहुत ही एक्सपीरियंस है, उनकी बात कर रही है जीरू मैडम करके। यस प्लीज। हाँ, फिर जीरू मैडम ने मुझे सारे वीजा डॉक्यूमेंट के बारे में बताया कि तुम्हें ऐसे ऐसे अरेंज करना है, तुम्हें ये चीज यहाँ से करवानी है, वहां से करवानी है, सब मुझे डिटेल में बताया। जब भी मुझे कोई क्वेश्चन था कि ये डॉक्यूमेंट में मुझे आपकी राय चाहिए, जैसे एफिडेविट में नाम में मिस्टेक है, अलग अलग नाम में कई सारे मिस्टेक थे, उसकी वजह से मैंने सर से कांटेक्ट किया और उन्होंने मुझे प्रॉपर गाइडेंस दिया। वीजा रखने के लिए जब आपका एसओपी आता है ना, मेन पार्ट होता है एसओपी, एसओपी वो आपने पूरा पढ़ा था पहले से, हाँ, और जीलू मैम ने वो कम्प्लीटली अच्छा प्रिपेयर किया था, तो उसकी वजह से बहुत सारा सपोर्ट रहा। कितने टाइम में आपका ये सितंबर इंटेक का वीजा लगा? ओनली 15 डेज, विदिन 15 डेज। 15 डेज। अगर ये सारी प्रोसेस को और प्री डिपार्चर सेमिनार, हाँ, आप अटेंड कर रहे हो, उसमें आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, उसका आपका आप आए एक ही आपने इशारा करके मेरे को बताया, तो ये क्या कौन सा इशारा था वो जरा फिर से करके दिखाइए। बहुत ही ज्यादा ये क्या था उसका मतलब समझाइए अभी। वो माइंड में ज्यादा भारी पड़ रहा था कि इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन, अच्छा, और सारी जो इन्फॉर्मेशन दी थी वो सारी जेन्युइन थी, जो एक स्टूडेंट को अब्रॉड जाने के लिए पता होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। जो कई सारे जो एजेंट होते हैं वो ये नहीं बताते। यस, वीजा के बाद का हमारा ये सर्विसेज है, प्री डिपार्चर सर्विसेज, केयर इमिग्रेशन का बहुत ही फेमस है और यूनिक है, जो हम हमारे केयर के ही बच्चों को देते हैं, और वो भी वीजा लगने के बाद। जैसे आज उनका पासपोर्ट आया और कल ही उनकी फ्लाइट है, क्योंकि वो बहुत ही शॉर्ट टाइम का ड्यूरेशन था, हम बीच में टेंशन में भी थे बिकॉज पासपोर्ट नहीं आया था उसकी वजह से, इंटेक भी रिफर करना पड़ेगा कि नहीं सब ऐसा है, सब लेकिन हो गया इसी इंटेक में, हाँ, हो गया, है ना। तो लास्टली, ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे हम, लास्टली 10 में से अगर पॉइंट्स, रिव्यू, स्टार कुछ भी देना हो तो यश केयर को कितना देगा? 10 out of 10। और केयर इमिग्रेशन को अगर एक वर्ड में डिस्क्राइब करना हो, एक वर्ड, तो वो कौन सा रहेगा यश? बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। चलिए यश को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं कि एक नेगेटिव में से वो बच्चा पॉजिटिव हुआ और आज उसका ड्रीम कम ट्रू, आगे की पढ़ाई का ये सक्सेसफुली गेट पास है हमारी तरफ से। यश, कॉन्ग्रेचुलेशंस, जाइए वहां पर पढ़िए, फैमिली का साथ में केयर इमिग्रेशन का नाम भी बहुत रोशन कीजिए, ऐसी हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं के साथ। दोस्तों, इसी तरह और स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और क्लाइंट्स की जर्नी केयर इमिग्रेशन आपके साथ शेयर करता रहेगा। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत कीजिए, लाइक और फॉरवर्ड करना भूलिएगा मत दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।